पहले के जमाना में और अभी के जमाना में जानते हो क्या अंतर है? पहले के जमाना में सिर्फ लड़का लोग ही वीडियो बनाता था, लड़का लोग ही सोचता था कि हम सुपरस्टार बनेंगे, सलमान खान बनेंगे। लेकिन अभी के जमाना में लड़की लोग भी सोच रहे हैं कि नहीं, अब हम भी ऐश्वर्या राय बनेंगे। ऐसा आप लड़की लोगों का भी सोच है, बस यही सोच सोचते सोचते एक लड़की आ गई है और वीडियो बना दी है। और कहाँ आई है जानते हो? जैसे कि शादी उदी नहीं होता है और बिलौकी लौकी मांगता है, उसी में लड़के अपना टैलेंट दिखा दिए। अब इस लड़की को हम बताएं कि इस तरह का लिपसिंग करने के बाद, वीडियो रील्स पर अपलोड करने के बाद इसको क्या क्या फायदा मिलेगा, इस लड़की को हम बताएं। चलो हम ही बता देते हैं, इस लड़की को रील्स पर अगर वायरल हो जाएगा, सुपरस्टार हो जाएगा, तो खेसारी लाल, पवन सिंह और गलती से प्रमोद प्रेमी का ऑफर आ गया, तो बस एक जाएगी लड़की, उस सब के जोड़े नाच करेगी और बस। उसके बाद तो आप लोग जानबे करते हो, प्रमोद प्रेमी तो भैया डायरेक्ट मुरी को नमस्ते करता है, आप लोगों से छुपल है नहीं। लड़की का एकदम कलाकारी देखो, एक्टिंग देखो, एकदम पूरा फील दे रही है स्टाइल के साथ। लड़की का एक्टिंग देख कर आप लोग जरूर सोच लिए होंगे कि यार ये पक्का प्रमोद प्रेमी के साथ जाएगी और नाच करेगी, और नाच करने के बाद मुरी को नमस्ते करवाएगी। आप लोग जरूर सोच लिए होंगे, लेकिन यार हम इस लड़की को ही सिर्फ दोष नहीं देंगे, दोस्त तो भैया आजकल के मौगी भौजी लोग भी लेने लायक है एकदम। नहीं, ये लड़की क्या फील दी है, लड़की तो कुछ छुपा उपा के फील दी है ना, लेकिन आजकल के भौजी लोग। इस तरह के अश्लील गाना पर ये भौजी लोग जो डांस कर रहे हैं, ये आप ही लोग बताओ सही है कि गलत। यार अभी इतना इजी हो गया, लड़की लोग नहीं पढ़ती, लेकिन भौजी लोगों पर आप लोग ट्राई मारो, इजी पड़ जाएगा, तुरंत पड़ जाएगा, एकदम इसे चुटकी में पड़ जाएगा। तो भैया लड़की लोगों को थोड़ा ईगो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसको लगता है हम सुंदर है, कच्ची कली है, कुंवारी है, पाँच गो लड़का तो यूँ ही ताकेंगे और एकदम पड़ जाएगा, और दो तीन गो रख ले ही रहती है अधिकतर लड़की लोग। तो यही लड़की लोगों को घमंड होता है, इसके चलते ज़्यादातर लड़का लोग भी अब समझ गया कि यार लड़की के पीछे भाव देने से कोई फायदा होता है नहीं, लड़की एकदम चाली भट्टल है। लड़का लोगों को भी लग गया, इसलिए लड़का लोग अब डायरेक्ट भौजी पर ध्यान देता है, और भौजी एक बार भौजी पर ध्यान दोगे कि बस नहीं। आप ही लोग देखो ना, भौजी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि छोरा चुप चुप ले ले रे, डायरेक्ट भौजी बोल रही है। और आजकल की लड़की अश्लीलता पर उतर रही है, गंदगी पर उतर रही है, तो ये मौगी जो औरत जो इतना अश्लील पर एकदम दे रही है अश्लील गाना पे, इतना नहीं आजकल के लड़के लोग उतरती है, वो लोग बोलती है, करती है डांस, उस मजा उजा लेती है अश्लीलता गाना पर, लेकिन इतना लेती है। अब आप लोग इसी लड़के को देखो, लमका की गोल का लमका, यही सब लड़की का जब रील्स वायरल होता है ना, तो भोजपुरी गाना से ऑफर आता है सबको कि आओ भोजपुरी गाना में और अपना जलवा दिखाओ, दो तीन को ठुमका लगाओ, और ठुमका लगाने के बाद आओ दो तीन को चुम्मा देकर जाओ। इसी सब लड़की को यार आजकल के जो हीरो है, अश्लील हीरो है, वो इसी तरह के लड़की के साथ कर्मकांड कर रहा है, और करना भी चाहिए, इस लड़की लोग यही लाइके है। नहीं कुछ दिन पहले आप लोग देखवे की हो, एक नचनिया स्टेज पर था, प्रमोद प्रेमी पहुंच गया और दोनों मुरी को नमस्ते कर रहा था, तो ये लड़की लोग भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, अब इस लड़की लोगों को भी प्रमोद प्रेमी बुलाएगा और उसके बाद दोनों मुरी के नमस्ते। यार लड़की लोगों को हम यही संदेश देना चाह रहे हैं यार कि तुम लोग इतना पीछे क्यों रह गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर इतना ईगो आया कहाँ से कि तुम पीछे रह गई और भौजी लोग आगे बढ़ गई। भौजी लोगों से कुछ सीखो, भौजी लोग शादीशुदा है उसके बाद भी नहीं डर रही है और एकदम डायरेक्ट छोरा चुप चुप कर रही है, और तुम लोग लमके पत्रकार के चक्कर में रह गई। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हो, ये भौजी और लड़की में से कौन अभी सबसे ज्यादा अश्लीलता पार की है कमेंट में बताओ। यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन और भी दबा लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक फॉलो करो, वीडियो जितना हो सके शेयर करो। चलो यार फिर मिलते हैं किसी अगला वीडियो में किसी अगला भौजी के किसी अगला अश्लील लौंडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।